चुनो सही। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच गाजीपुर के कालीबाग कब्रिस्तान में दफनाया गया मुख्तार अंसारी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दिल का दौरा पड़ने से मौत की पुष्टि, मौत की न्यायिक जांच भी शुरू। शराब घोटाला मामले में केजरीवाल के एक और मंत्री को ईडी का समन्स। दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत, ईडी की पूछताछ जारी, अबकारी नीति का ड्राफ्ट तैयार करने का आरोप। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, नरसिम्हा राव, कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को दिया गया भारत रत्न सम्मान, पीएम मोदी ने दी बधाई। बिहार में पूर्णिया से ही चुनाव लड़ने पर अड़े कांग्रेस नेता पप्पू यादव, 2 अप्रैल को करेंगे नामांकन। पूर्णिया से आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती ने गठबंधन धर्म निभाने की अपील। नॉमिनेशन करेंगे जो पूर्णिया की जनता चाहेगी, हम वही करेंगे। हमारे गार्जियन का दायित्व बनता है, जो वहां से निर्देश करेंगे वो जरूर पालन करेंगे। महाराष्ट्र में बढ़ी महाविकास आघाड़ी की टेंशन, कांग्रेस ने 4 से ज्यादा सीटों पर फ्रेंडली फाइट का किया ऐलान। सांगली, भिवंडी और मुंबई की 2 सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी कांग्रेस। उद्धव गुट पहले ही कर चुका है प्रत्याशियों का ऐलान। लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में कांग्रेस को एक और झटका, पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल की बहू अर्चना पाटिल बीजेपी में शामिल, देवेंद्र फडणवीस ने दिलाई सदस्यता। महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चौहान, आप देखने जा रहे हैं लोकसभा चुनाव पर स्पेशल शो इलेक्शन धमाका। और इलेक्शन धमाके की 4 बड़ी खबरें। सबसे पहले इलेक्शन धमाके में जो पहली खबर है, बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के बीच तकरार से जुड़ी हुई। और बिहार में पूर्णिया लोकसभा सीट पर पप्पू यादव ने अब एक बार फिर दावेदारी पेश की है और महागठबंधन में अब एक बड़ा पंगा दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी बड़ी खबर है यूपी के मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेगा शो से जुड़ी हुई। पीएम मोदी मेरठ में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। और तीसरी बड़ी खबर है कर्नाटक की सियासत से जुड़ी हुई, जहां कांग्रेस के विधायक ने बीजेपी की महिला उम्मीदवार पर विवादास्पद बयान दे दिया है। और चौथी बड़ी खबर, कांग्रेस को इनकम टैक्स विभाग की तरफ से फिर एक बार नोटिस जारी कर दिया गया है। और इलेक्शन धमाका में सबसे पहले बड़ी खबर की बात करते हैं। अब से थोड़ी देर पहले ही बीजेपी की घोषणा पत्र समिति का ऐलान कर दिया गया है और राजनाथ सिंह घोषणा पत्र कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। बीजेपी की घोषणा पत्र कमेटी में 27 सदस्यों को रखा गया है और इसके साथ ही निर्मला सीतारमण घोषणा पत्र समिति का संयोजक बनाई गई है। ये एक बड़ा कदम बीजेपी की ओर से, घोषणा पत्र समिति बना दी गई है, 27 सदस्य इसमें रखे गए हैं। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आगे इस पर पूरी कार्रवाई होगी और इसमें अर्जुन मुंडा की भूमिका महत्वपूर्ण होगी, भूपेंद्र यादव की भी इसमें भूमिका होगी, अश्विनी वैष्णव इस समिति में है, स्मृति ईरानी इस समिति में है। कुल मिलाकर 27 सदस्यों की अब ये कमेटी बीजेपी का लोकसभा चुनाव 2024 का घोषणा पत्र तैयार करेगी। अमित पांडे हमारे सहयोगी।